अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नादरीन और सामईन, बड़ी मसरत और ख़ुशी का मौका है। याद रहे कि कन्नौज तहसील नीम खेड़ा मदरसे में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम नीम खेड़ा, तहसील कन्नौज, ज़िला देवास। इस मदरसे में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की खिदमात तो बहुत ज़्यादा हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन है। हज़रत मुफ्ती साहब की दीनी खिदमात, इल्मी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हज़रत का सफ़र ना जाने कहाँ कहाँ हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ हज़रत आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे से चाहते हैं काम ले लेते हैं। इस वक्त में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब से काम ले रहे हैं, जो सरजमीन नीम खेड़ा, तहसील कन्नौज, ज़िला देवास में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। हज़रत मुफ्ती साहब का तारुफ तो आपके सामने हो गया होगा। हज़रत बिल्कुल बेबाक बोलने वाले हैं, नीडर होकर बोलने वाले हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा हज़रत कितनी बेबाकी के साथ बोलते हैं, और जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल बेबाकी के साथ बोलते हैं, नौजवानों को अपने तरफ खींचते हैं। हज़रत का सफ़र सारे हिंदुस्तान में तकरीबन हो रहा है, मेवात से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, पंजाब और बिहार और कश्मीर से लेकर हज़रत के सफ़र हुए हैं। इस वक्त में बड़ी ख़ुशी का मौका है, और ख़ुसूसन देवास ज़िले वालों के लिए और उसके अतराफ़ वालों के लिए। इस वक्त में हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं 9 फरवरी 2023 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब बमुकाम मदरसा नीम खेड़ा, तहसील कन्नौज, ज़िला देवास में। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश रखा होगा हज़रत को लाइव देखें कि हज़रत कैसे बोलते हैं। उम्मीद है आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाएंगे, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जलसे को कबूल फरमाए, इसको हर शरूर और फितन से इसकी हिफाजत फरमाए। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऑडियो ज़रूर भी ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर कर दें।